आज से झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू हो चुका है और सदन में कार्रवाई भी आज से शुरू हो जाएगी। तमाम मुद्दे जो है वो उठाए जाएंगे और कहीं ना कहीं पक्ष विपक्ष में टकराव का भी माहौल देखने को मिलेगा। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे विशेष संवाददाता सौरभ राय हमारे साथ झारखंड विधानसभा से जुड़ चुके हैं। सीधा उनका रुख करेंगे। सौरभ, आज से जो है मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है और कहीं ना कहीं मॉनसून सत्र हंगामेदार होने के भी आसार बताए जा रहे हैं, तो क्या कुछ माहौल है अभी वहाँ का? जी अवंतिका, अभी वर्तमान समय में मॉनसून सत्र 6 दिन का होने वाला है और अभी की अगर हम बात करें तो अभी नेताओं का आगमन नहीं हुआ है। ठीक 10:30-11 बजे का समय होता है जब तमाम विधायक इस पोर्टिको में आपको नजर आ जाएंगे। और अगर आज का दिन का अगर हम बात करें तो आज पहला दिन है विधानसभा मॉनसून सेशन का और आज पहला दिन में सिर्फ इंट्रोडक्शन और अभिभाषण होता है। स्पीकर रविन्द्रनाथ महतो जी का अभिभाषण होगा और सोमवार का दिन बेहद खास होगा झारखंड की राजनीति के लिए, क्योंकि उस दिन अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव जी के द्वारा। और कहीं न कहीं यह मॉनसून सेशन काफी हंगामेदार होने वाला है, क्योंकि विपक्ष जो है भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें और उसके सहयोगी दल आसू, तो ये दोनों मिलकर झारखंड सरकार को तमाम मुद्दों पर घेरने का भी कार्य करेगी। जैसे कि सहायक पुलिसकर्मी का मुद्दा हो या फिर बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा को लगातार बीजेपी तूल दे रही है और इस पर सरकार भी कहीं ना कहीं नरम पड़ते हुए नजर आते हैं। तो तमाम मुद्दों को लेकर झारखंड सरकार को बीजेपी भी घेरने का प्लान बना रही है। और अवंतिका, यह मॉनसून सत्र की अगर हम बात करें तो यह मॉनसून सेशन झारखंड में हेमंत सोरेन की जो सरकार चल रही है उसकी आखिरी सत्र होने वाली है, क्योंकि इसी वर्ष विधानसभा चुनाव भी होने वाला है झारखंड में। जी, क्या लगता है क्या कुछ बड़े मुद्दे होंगे इस बार झारखंड विधानसभा में और क्या कुछ बड़े मुद्दों को लेकर पक्ष विपक्ष आमने सामने होगी और अनुपूरक बजट भी पास होने वाला है? क्या लगता है इस बार कितना लाभुकों को इससे लाभ मिल पाएगा, किसके लिए ये बजट कारगर साबित होगा? सौरभ, जी अवंतिका, झारखंड सरकार के द्वारा लगातार ये बयान देते आ रहे हैं झारखंड सरकार के तमाम मंत्री कि यह अनुपूरक बजट झारखंड के मूल निवासी आदिवासी और एवं झारखंड में निवास करने वाले लोगों के लिए काफी लाभकारी साबित होगी और यह अनुपूरक बजट में कई योजनाओं को लेकर भी बात की जाएगी। और अगर हम बात करें दूसरी ओर विपक्ष दलों की, तो विपक्षी दलों में सबसे अहम दल है भारतीय जनता पार्टी, जिसकी ओर से बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा लगातार उठाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता, चाहे हम बात करें असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा जो कि झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए सह प्रभारी भी बनाए गए हैं, और वहीं दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री जो कि झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के प्रभारी हैं शिवराज सिंह चौहान, दोनों मिलकर झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा को उठा रहे हैं लगातार। और अगर प्रदेश के नेताओं की बात करें तो बाबूलाल मरांडी, नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी समेत कई विधायक जो हैं वो साथ मिलकर झारखंड सरकार को इस मुद्दे पर घेरने का काम करेगी। और दूसरे मुद्दों का अगर हम बात करें तो सहायक पुलिसकर्मी का मुद्दा भी लगातार गर्मा चुकी है और झारखंड विधानसभा में भी इस मुद्दे को लेकर आप देख सकेंगे कि इस पर बहसबाजी भी तेज होगी और बयानबाजी देखने को मिलेगी, क्योंकि सहायक पुलिसकर्मियों को लेकर ठोस निर्णय झारखंड सरकार के द्वारा नहीं ली गई है अभी तक। वही पारा शिक्षकों का मुद्दा भी है। जी अवंतिका, आपने देखा होगा कुछ दिनों पूर्व लाठीचार्ज भी सीएम आवास के पास हुई होगी। नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने ये आरोप लगाया था कि उन्हें बैठक में शामिल होने के लिए नहीं बुलाया गया था। ये कहीं ना कहीं एक बड़ा आरोप जो है उन्होंने लगाया था पक्ष पर। के अनुसार अमर बावरी जी ने यह दुख भी जाहिर किया है कि उनको बैठक के लिए बुलावा नहीं आया, तो कहीं ना कहीं संघीय ढांचा में भी अमर बावरी ने सवाल खड़ा किए हैं, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष वो है तो नेता प्रतिपक्ष को बुलाना लाजमी सी बात होती है, तो अगर उनको नहीं बुलावा गया है तो कहीं ना कहीं सवाल खड़ा कर रहा है। तो ये बयानबाजी का कारण भी बन चुका है झारखंड विधानसभा में, आज इसको लेकर भी हंगामा हो सकता है और कई विधायक फ्रंट फुट पर आ जाएंगे आज भारतीय जनता पार्टी और आसू की अगर हम बात करें तो। और दूसरी तरफ एक अहम मुद्दा है अवंतिका, पिछले दिन हमने देखा कि जो दो विधायक हैं लोबिन हेम्ब्रोम और जेपी पटेल, इन पर दल बदल का कानून चला था, दल बदल केस चला था और उसके तहत कल दोनों की विधायकी भी रद्द कर दी गई है, तो ये एक बड़ा मुद्दा है क्योंकि दो विधायक अब हाउस से घट चुके हैं।
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ इस खबर पर अधिक जानकारी हम लोगों से साझा करने के लिए, हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। तो देखिए आज से मॉनसून सत्र शुरू हो चुका है और कहीं ना कहीं कई बड़े मुद्दे और विभिन्न मुद्दों को लेकर पक्ष और विपक्ष जो है आपस आमने सामने होंगे, कई टकराव होंगे, कई बातें जो है वो सदन में जनता की उठाई जाएगी और देखने वाली बात होगी कि इस बार का जो मॉनसून सत्र है वो किस प्रकार से गुजरता है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।